हेलो फ्रेंड्स, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। तो आप सबको राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदी भारतीय जनसंघ की राष्ट्रभाषा भी है। आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम भी है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम यह भी जानते हैं कि भारत के अनेक क्षेत्रों में अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां बोली जाती हैं, उसमें से भी हिंदी जो है वह राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, यानी कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह जो हिंदी है वह 14 सितंबर 1949 को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में इसको घोषित किया गया था। तब से 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो हिंदी है वह भारत के एक एक व्यक्ति को, एक एक जनमानस को जोड़ने का एक धागा में कार्य करती है। तो हिंदी का महत्व इसी कारण से बहुत ज़्यादा है। तो आइए अब हम समझते हैं कि SSC की ओर से ये जो आयोग है वह हिंदी दिवस की क्या बधाइयाँ, क्या शुभकामनाएं दी हैं, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। चेयरमैन दीप्ति उमाशंकर के द्वारा यह संदेश दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको मैं एक एक करके जो लाइनें हैं यहाँ पर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कर्मचारी चयन आयोग परिवार के समस्त सदस्यों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर का दिन हम सबके लिए हर्ष एवं गर्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन भारत में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। देश भर में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वस्तुतः देखा जाए तो हिंदी ने सदैव सभी भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता की भावना को सुदृढ़ किया है। हिंदी राजभाषा हिंदी में कार्य करना हमारा नैतिक ही नहीं, संवैधानिक दायित्व भी है। आप सभी मूल रूप से अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करें, जिससे राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए हम राजभाषा विभाग द्वारा विकसित हिंदी सॉफ्टवेयर तथा हिंदी टूल्स का अपने दैनिक कामकाज में प्रयोग करें, जिससे हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ावा मिल सके। आयोग मुख्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, और इस दौरान राजभाषा हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। मैं आशा करती हूं कि आयोग के सभी अधिकारी कर्मचारी इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेकर इन्हें सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। आयोग के सभी क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय कार्यालयों से भी मेरी अपील है कि वे भी अपने अपने कार्यालयों में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन करें और इनमें अधिक से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि होगा। पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिंद। नई दिल्ली, 14 सितंबर 2021। दीप्ति उमाशंकर। तो यह जो है शुभकामनाएं वह SSC की ओर से दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर समझ भी सकते हैं कि हिंदी का प्रचलन यानी हिंदी का जो चलन है उसको बढ़ाने के लिए आयोग की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, साथ साथ हमें भी अपने स्तर से प्रयास करने ही चाहिए। हम लोग आजकल जानते हैं कि इंग्लिश का उपयोग बहुत ज़्यादा है और समय के हिसाब से इंग्लिश का उपयोग भी हो ही रहा है, फिर भी हमें हिंदी को भी आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को भी आगे तक ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। तो यह जो थी वह SSC की ओर से जो शुभकामनाएं दी गई थी वह मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज का दिन जो है वह 14 सितंबर वह हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, और हिंदी का जो महत्व है वह लोग आप सभी जानते ही हैं।